हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज के ब्लॉग में आप लोगों को देखने को मिलेगा, आज जा रहे हैं हम कहाँ पे, विराट नगर। वहां पे मतलब पांडवों ने अज्ञातवास भी किया था, 13 साल वनवास पे रहे थे। तो लास्ट वाले 13 वर्ष में अज्ञातवास पे वो वहीं पे रहे थे, मतलब विराट नगर में। अब वहां चलते हैं आज, और वहां उनकी जो भीम वगैरह जिनके गट्टे थे, और भी काफी प्राचीन काल की चीजें हैं, मतलब काफी मतलब ऐतिहासिक जगह है। तो गाइज वहां पे चलते हैं, वहां जाके उनके बारे में बताते हैं। चलो तो मैं रेडी हो चुका हूँ, और अब चलते हैं सीधा विराट नगर। तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं विराट नगर, और पीछे है मेरे जस्ट गणेश मंदिर। यहीं पे वो मतलब क्या होता है, जो 13 साल वनवास पे थे ना, मतलब पांडव, तो लास्ट का जो 13वां साल था ना अज्ञात वाला वो टाइम ईयर, तो वो यहीं पे बिताया था उन लोगों ने। और भीम के गट्टे वगैरह, उनकी अर्जुन और पांडव वगैरह, उन अज्ञातवास यहीं बिताया था लास्ट वाला। तो यहाँ पे भीम के गट्टे वगैरह और भी काफ़ी चीज़ें हैं देखने को मिलेंगी अंदर जाके। गाइस यहाँ की जो और भी चीज़ें हैं, गट्टे वगैरह एक मतलब तालाब भी है, उस जो पतल तोड़ है जिसका मतलब ओढ़ नहीं है वो भी है, और अंदर मछली है जो कि पत्थर से बनाई गई है, पत्थर से बनी हुई है जो कि मंदिर के अंदर है। और पति अंदर जो भी मंदिर के जस्ट अंदर ही है, वो पत्थर से अब ऑटोमेटिक बना हुआ था, उसी को डेकोरेट कर रखा है। बाकी जैसे भी मूर्ति वगैरह नहीं है, बाकी बहुत प्यारा है। तो अंदर जाके चलते हैं और करा देते हैं। बहुत प्राचीन काल का ये मंदिर है। तो गाइस यहाँ पे भीम की चीज़ें भी है, अर्जुन की चीज़ें भी है, और पांडवों की भी चीज़ें हैं। बाकी मैंने देखा तो नहीं, बस सुना ही है, और अंदर जाके दिखाता हूँ आपको सारी चीज़ें। चलो तो फिर चलते हैं अंदर, प्रसाद और अगरबत्ती ले लिए, और अब चलते हैं सीधा मंदिर के अंदर। और सामने का व्यू देखना कितना प्यारा लग रहा है, रघुनाथ कल्याण आश्रम विराट नगर। इधर भी प्रसाद है पूरे रास्ते। जी बारिश के टाइम में, बारिश आती है ना उस टाइम पे फुल भर जाता है, और देख सकते हैं अजमंकी देख सकते हो आप यहाँ के। तो गाइस फाइनली मंदिर पहुंच चुके हैं, काफी लोग बैठे हैं, और पहले चलते हैं मंदिर के अंदर। तो गाइस सामने गणेश मंदिर है, जो बताया था ना, जो मूर्ति ये पत्थर की है जो कि पहाड़ से बनी थी ऑटोमेटिक से, वैसे कोई मूर्ति नहीं है, ऑटोमेटिक बनाई हुई थी। और एक स्पेशल चीज और दिखाता हूँ आपको, ये मछली है जो कि पत्थर से बनी है, मत्स्य अवतार। जो मूर्ति भी मैंने प्रसाद चढ़ा है, मतलब देखने में बहुत वैसे छोटी लग रही है, लेकिन कैमरे में छोटी लग रही है, वैसे काफ़ी बड़ी है वो। और ये देख मछली देखना, यहाँ की मत्स्य नगर बोला जाता है, इसकी वजह से मतलब मछली यहाँ पे है, ये प्यारी लग रही है। यहाँ के पंडित जी हैं और दूसरे पंडित जी उधर हैं, और इधर ही मंकी बैठा है, और इधर देखना कितनी पब्लिक आई हुई है। ये मंकी देख कितनी जोर से भग रहा है, इसमें पता नहीं क्या आ रहा है, देखो क्या दिख गया है इसको। तो गाइस जब इधर से गांव का व्यू दिखाता हूँ आपको, देखना कितना प्यारा है, मस्त सॉन्ग चल रहे हैं, और इधर देखना ये इतना प्यारा बना रखा है। जगह को मत्स्य नगर के नाम से जाना जाता था पहले, इसी वजह से मछली यहाँ पे है, और मतलब बहुत प्राचीन काल का। यहाँ पे भीम ने, यहाँ अर्जुन ने, यहाँ पे अज्ञातवास बिताया था पांडवों ने। तो गाइस स्वागत है आप सबका मत्स्य नगर की पुरानी राजधानी विराट नगर में। तो गाइज आप सब देख सकते हैं, ये एक कुंड है जो कि पाताल तोड़ कुंड बताया जाता है। ये पानी तो मतलब जो है दिख रहा है आप लोगों को, लेकिन इतना तो मेरे को नहीं पता, लेकिन है काफ़ी गहरा, इतना पता है। हवा नहीं है जो कि बिल्कुल मतलब ऐसे हवा में लटक रहा है, और इसका साइज देखना, पता नहीं लाखों या हजारों क्विंटल तो वेट हो ही गया आई थिंक इसमें। इसका नीचे से भी दिखा देता हूँ आप लोगों को, देखना किसी पर नहीं टिका हुआ, ये नाइस साइड से, नाइस साइड से।
और देखो इसका साइज देखना, और जो और इसका है ना जमीन के अंदर तक पतल तोड़ माना जाता है वैसे, बाकी ऐसा कुछ नहीं होता, बाकी है काफी गहरा ये बोल सकते हैं। और अब चलते हैं ऊपर गट्टे के लिए, वो भी दिखाते हैं आप लोगों को। तो गाइज ये देखना पत्थर का साइज दिखाऊंगा, मेरा साइज से मतलब बहुत बड़ा है, नीचे गुफा है। अब देखना मेरा साइज देखना और इसका साइज देखना एक बार। तो गाइज पत्थर का साइज दिखाना, इस पत्थर के साइज में और मेरे साइज में फर्क देखना कितना है। और ये जो निशान दिख रहे हैं ना अंगूठे के, एक ये दिखा, ये अंगूठे के निशान है भीम के, क्योंकि इनके भीम का गट्टा था ये भी, इस वजह से यही रखा हुआ है ये गट्टा था। जैसे अपन बच्चे खेलते हैं ना, जैसे छोटे वाले गट्टे आते हैं, ये भीम का गट्टा है एक, जो कितना साइज देखने इसका, मेरे साइज से पता नहीं कितना बड़ा है, काफी बड़ा है। तो गाइज अब देखना ये मतलब ये चढ़ाई देखना कितनी है, मतलब चढ़ाई नहीं जाएगा गाइज, यहाँ से देखना कितना प्यारा व्यू लग रहा है। तो गाइज कबूतर देखो कहाँ बैठे हैं उस पत्थर के ऊपर, देख बिल्कुल ऐसे पत्थर है, इस पे बैठे हैं सारे। और इसका यहाँ का जो पत्थर है ना, सारे पत्थर गोल है, एक नहीं मतलब सारे पत्थर गोल है गाँव का। और यहाँ पे है ना सबसे खास बात है, चारों तरफ देखना कितनी प्यारी ग्रीनरी हो रखी है पहाड़ों पे, मतलब खेतों में भी चारों तरफ पहाड़, एक बार नजारा देखो। तो गाइस इस जगह को मतलब पहले मत्स्य नगर के नाम से भी जाना जाता था, मतलब पुराने पहले मत्स्य सिटी थी, उसके बाद ये चेंज। यहाँ के पत्थर देखना सभी का साइज मतलब इतना मतलब काफी बड़ा है, और तू गिर जाएगा यहीं रे। और इसके देखना नीचे की जगह दिखाता, इसमें स्पेस देखना कितना है। मैं जस्ट पत्थर के नीचे बैठा हूँ, पत्थर का साइज देखना कितना बड़ा है, मैं इसके नीचे आप भी गया, उसके बाद भी स्पेस दिखाना, एक बार स्पेस दिखाना कितना है इसके नीचे, स्पेस देखना। इधर से निकल भी सकते हैं इवन हम, इधर से तो मतलब पहाड़ नीचे गिर सकते हैं, लेकिन इधर से निकल सकते हैं, लेकिन इधर से निकलेंगे नहीं, उधर से ही जाएंगे। बाकी जैसे 4 से 5 फुट इसके अंदर सेट हो सकते हैं, इतना छोटा पत्थर है। तो इसका बाहर जाकर मैं कुछ साइज दिखाता हूँ एक बार, जो कि भीम लोग वगैरह इतना खेले दिन बट्टों से, मतलब यार प्राचीन काल की मतलब जगह से वाइब्स आ रही है, जैसे कि काफी पीछे चले गए हो, पता नहीं कितने ईयर अब। साइज देखना एक बार देखना, इसके नीचे था मैं, इसके 4 से 5 रूम नीचे अंदर ऐसे लग रहा था यार। और अब नीचे मंदिर में भी चलते हैं, एक मंदिर है, गिरने का डर है, तू भी आराम से आना। साइज देख लीजिए आप लोग कितना बड़ा साइज है, पत्थरों नीचे रूम बनवा दो, इतने बड़े साइज हो रखे हैं। मतलब हनुमान जी को निला रहे हैं, जो कि इनको देख अच्छे से ये महाराज जी इनको निला रहे हैं, जैसे पत्थर ही है और इसके नीचे रूम बना रखा, और मैं उधर से वगैरह इस पत्थर पे, ये देखना बिल्कुल ऐसे डरा ना, मतलब बिल्कुल डटे हुए हैं ये इस पे इवन भी। तो गाइस ये वही जगह है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ पत्थरों के बीच में, पांडवों ने यहाँ पे अज्ञातवास बिताया था। तो अज्ञातवास का मतलब होता है कि अपनी पहचान नहीं बतानी थी यहाँ पे रह के भी, ना तो अपना नाम ना मतलब जो भी रहता है ना, अपनी पहचान छुपा के रहना, इसे बोलते हैं अज्ञातवास रहना। मतलब अज्ञातवास मतलब ये पूरा ये निकाला था उन्होंने, तो ये वही जगह है। यहाँ का आपको सारा टूर दिखाई दिया भाई, गट्टे वगैरह थे नीम वगैरह जो खेलते थे, बाकी मंदिर भी दिखा दिया, और अभी बार बार का भी वो दिखा देता हूँ आपको, फिर चलते हैं मंदिर से बाहर। मंदिर में उठा गया ना, बैग बैग छीन लेते हैं, बैग बैग से थोड़ा बचा के रखिए आप भी अपना सामान लाए तो। मतलब सारे कबूतर मतलब ड्रान टाइप का, और सारे मतलब टिक के बैठे बिल्कुल, है ना स्पेशल चीज देखना सारे। और मंदिर भी जा लिए और यहाँ के बारे में भी बता दिया, और अब निकलते हैं यहाँ से। तो गाइस गणेश मंदिर दिखा दिया, और भीम गट्टे वाला मंदिर और एक है, उसका ड्रोन शॉट दिखा देते हैं आप लोगों को, बहुत प्यारा ड्रोन शॉट लिया है मैंने वहाँ जाके अभी, तो वहाँ का शॉट दिखा देता हूँ आपको, देख लीजिए बहुत प्यारा है। और चलते हैं फिर घर के लिए।